सो हे हेलो नो सब गाइस, सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग दिखाने वाले गाइस मेरा जो ओल्ड आईडी था उसका कलेक्शन। तो गाइस अभी मैंने अपना ओल्ड आईडी खोल रखा है और गाइस ये आईडी मेरे अपने भाई का था, तो जिससे कि मैंने उससे एक्सचेंज कर लिया। जैसा कि आप लोग जानते हो मेरे पास जो लीडर वाला आईडी था तो वो मैंने अपने भाई को दे दिया, और उसका जो आईडी था वो बहुत पुराना प्लेयर है बट वो खेलता नहीं है, बहुत कम खेलता है, लेकिन कलेक्शन उसके पास अच्छा ठीक ठाक कलेक्शन है, जिससे कि मतलब डिमांड है आज के मार्केट में ये सब कलेक्शन का गाइस। सो है जैसा कि सबसे पहला कलेक्शन आप देख ही सकते हो जो मैं पहन के यहाँ पे खड़ा हूँ, आर्टिक ब्लू का। सो गाइस यहाँ पर मैंने उससे आईडी एक्सचेंज कर लिया है गाइस, तो अब मैं इसी आईडी से खेलूंगा। और इसमें गाइस एक बहुत खास चीज़ है, वो है लाइट पास 3। तो गाइस 1-2 तो मेरे पहले वाले आईडी में था जिसको मैंने बेच दिया था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे बेचना पड़ा था। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास लाइट पास 3 है। इसमें गाइस वैसे तो कुछ खास कलेक्शन नहीं है, लेकिन देख लो जो भी है बहुत सही है गाइस। तो पहला तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे टॉप गेमर वाला, आप लोग जानते ही हो बहुतों के पास होगा गाइस टॉप गेमर वाला। तो यहाँ से गाइस मैं इसको दूर करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो गाइस पहला जो हमारा यहाँ पे कलेक्शन टॉप गेमर वाला है। इसके बाद गाइस जो मेरा फेवरेट है गाइस वो है ये, देख सकते हो आप लोग। तो गाइस आर्टिक ब्लू बंडल इसके पास है, तो ये भाई साहब का क्या ही लक था, मैं क्या ही बताऊँ, उतना खेलता भी नहीं था फिर भी इसका निकल गया था गाइस। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रीट बॉय वाला बंडल जो कहते हैं गाइस, तो ये भी है इसके पास। और ये देखो गाइस ये भी इलाइट पास का ही बंडल है, आप लोग जानते होंगे बहुतों के पास ये होगा भी गाइस, इलाइट पास का बंडल है। और ये तो जानते ही हो गाइस यहाँ पे मैजिक मैजिक क्यूब से लिया गया जो वाला बंडल है यहाँ पे गाइस। और उसके बाद गाइस ये फ्री में मिला था, तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ गाइस, आप लोग खुद समझ जाओगे कौन कौन सा बंडल है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ अच्छे से। तो गाइस बहुत ही सारा बंडल है, ये देखो आपका ये आया था क्या बोलते उसको, अरे एक सेकेंड गाइस मैं दिखाता हूँ गाइस, ये आया था आपका ये जो फेडेड व्हील होता है उसमें ये वाला ड्रेस आया था गाइस, तो ये भी इसका निकल चुका है। और बहुत ही ड्रेस है गाइस यहाँ पे, बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेस है। ये बाल आप देख सकते हो, लेवल 3 का होता है तो ऐसा बन जाता है, 4 का होता है तो ऐसा बन जाता है, देख सकते हो गाइस कितना फनी लग रहा है। और उसके बाद ये ड्रेस गाइस, ये ड्रेस तो कतई जहर लग रहा है गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है तो कलेक्शन, क्योंकि आप लोगों को दिखाना है मेरे को। ये देखो गाइस ये तो नॉर्मल वाला जो फ्री में मिला था वो है, तो ये गाइस इंक्यूबेटर जो हाल में ही आया था उसका वाला भी निकाल लिया भाई ने मेरे। तो गाइस इस आईडी को मैंने एक्सचेंज कर लिया, अब मैं खेलूंगा तो इसी आईडी से खेलूंगा गाइस। जैसा कि आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन है भाई के पास, मैं आपको कुछ थोड़े बहुत दिखा रहा हूँ। ये देखो ये भी बहुत ही ओल्ड है बनी वाला जो है गाइस, और बाकी तो है जो सब है। ये देखो गाइस ये भी बहुत कम के पास देखने को आपको मिलेगा, ये पैंट तो आजकल मिल रहा था डिस्काउंट में, लेकिन गाइस ये जैकेट बहुत कम के पास आपको देखने को मिलेगा गाइस, बहुत ही पुराने टॉपअप में ये भी आया था गाइस। सो उसी तरह से गाइस आप लोग देख सकते हो बहुत ही सारा कलेक्शन है। उसके बाद अभी चलते हैं, देखो इलाइट पास 3 देख सकते हो गाइस, ये इलाइट पास 3 कितना, इमोट देख सकते हो आप लोग, इमोट ही तगड़ा है गाइस, बहुत कम के पास ये वाला इमोट भी जो हो गया बहुत ही कम के पास मिलेगा, क्योंकि ये सब पुराना इमोट है। और गाइस देख सकते हैं कुछ कुछ गाइस जो भी है यहाँ पर, ये टॉप गेमर तो आपको दिखा दिया, ये वाला इलाइट पास भी आप लोग जानते ही होंगे गाइस, ये भी जो है इलाइट पास पुराना ही है। उसके बाद गाइस ये भी इलाइट पास, ये तो मे भी बहुत लोगों के पास होगा ये वाला। उसके बाद गाइस ये देखो यहाँ पे बॉम्ब स्क्वाड वाला, ये भी इलाइट पास का ड्रेस है, कितना तगड़ा लग रहा है गाइस देखने में, आप लोग देख सकते हो। और ये गाइस ये तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, बहुत ही तगड़ा ड्रेस है गाइस, इस पे तो कोई भी लुक जच जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है गाइस जब इसको इस तरह से पहनता हूँ, मतलब मज़ा आ जाता है गाइस, आप लोग देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। तो बहुत ही मतलब मैंने लीडर वाले आईडी को एक्सचेंज किया है, लेकिन वैल्यू वैल्यू है, जितना भी लीडर पे मैंने खर्च किया गाइस, जितना भी पैसा उस पे उड़ाया मैंने, मेरा सब वसूल है अभी फिलहाल, भाई को ही दिया है। जब मैं को एक्सचेंज करना होगा लीडर वाला आईडी तब मैं कर लूँगा, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन फिलहाल तो ये मेरे पास ही रहेगा गाइस। देख सकते हो ये सब मैजिक क्यूब में आया था मे बी, और उसके बाद लक रॉयल में जो आया था वही वाला ड्रेस है। फिर गाइस ये सब देख सकते हो, ये देख सकते हो गाइस बहुत ही ड्रेस है गाइस, यही लाइट पास वाला सब आप लोगों को दिखा देता हूँ धीरे धीरे करके। फिर गाइस ये टी शर्ट आजकल जो पहनते हैं लोग, पुराने लोग ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं ना गाइस, तो गोल्ड जो है यहाँ पे ओल्ड ही है बट गोल्ड है, तो आप लोग समझ सकते हो इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। फिर ये भी एक पुराना ही है मान लो, बहुत लोगों के पास होगा लेकिन पुराना है, गोल्ड रॉयल का है ये भी। और बस यही सब कुछ कलेक्शंस है जो अच्छे अच्छे मुझे 2-3 लगे बहुत अच्छे, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ही रहता हूँ इस पर। सो गाइस ये देख सकते हो, और आपको दिखाता हूँ गाइस फिर ये सीजन, सो गाइस सीजन 5 का है आई थिंक ये वाला, देख सकते हो आप लोग कितना ही सॉलिड लग रहा है गाइस, सीजन 5 का है बट गोल्ड का है गाइस, गोल्ड का है तो आप लोग देख सकते हो बहुत सी। सो गाइस ये देख सकते हो सीजन 5 का यहाँ पे गोल्ड का हमारे पास ड्रेस है, तो सीजन 5 का गोल्ड होना भी एक बहुत बड़ी बात है गाइस, तो सीजन 5 का तो आप लोग समझ ही सकते हो कितना पुराना है। तो गाइस यहाँ पर बस यही सब कुछ ड्रेसेस है इसमें, बाकी मैं आप लोग को दिखाता हूँ गन्स के कलेक्शन। और अगर आप लोग कुछ देखना चाहोगे तो मुझे कमेंट करना ठीक है, लाइव स्ट्रीम तो कर नहीं रहा हूँ अभी बिकॉज मेरे पास नेट ही नहीं है, नेट नहीं चलता अच्छा यहाँ पे, इसलिए लाइव स्ट्रीम हो नहीं पा रहा है। सो गाइस मैं आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले आर्टिक ब्लू बंडल पहन लेता हूँ, वही सबसे अच्छा मेरे को लग रहा था।
तो गाइस यहाँ पे मैंने पहन लिया। उसके बाद गाइस कलेक्शन में चलते हैं। तो कलेक्शन में जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इमोट तो भाई ने कुछ खास खरीदा नहीं है, जो निकला है भाई का वो निकला है, ठीक है। तो ये भाई ने खरीदा था बिकॉज ये मेरे को खरीदना था, बट एक्सीडेंटली भाई की आईडी में लिवा गया था उस टाइम, मतलब लेना पड़ा था मुझे, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो गाइस और दिखाते हैं आप लोग को, यही इमोट तो एकदम मतलब लेजेंडरी है गाइस, बहुत कम लोगों के पास आपको देखने को मिलेगा ये वाला इमोट। और गाइस व्हीकल की बात करें तो ये जीप बहुत पुराना है, इलाइट पास 3 का ही है, लेकिन ये फिर से आया था हाल में ही, लेकिन अब बहुत लोगों ने नहीं लिया क्योंकि उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ ये इलाइट पास 3 का जीप है गाइस। बैकपैक में बात करते हैं गाइस, तो बैकपैक में आप लोग देख सकते हो क्या सॉलिड लग रहा है गाइस ये बैकपैक, आप लोग देख सकते हो बैकपैक जो भी है भाई के पास, मैं सब दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस किसी दिन मैं अपना जो ओल्ड वाला आईडी है जिसे मैंने बेचा, वो आईडी खुल चुका है और जिसे मैंने बेचा वो खेल रहा है उस आईडी से, तो अगर वो मेरे को प्रोवाइड करता है गाइस तो उस चीज़ की भी, उस आईडी की भी कलेक्शन बनाऊंगा मैं। बहुत ही अच्छा आईडी है वो जो मैंने बेचा था वो, तो यार मतलब क्या ही बोलूँ, उस टाइम मेरे को पैसे की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मेरे को बेचना पड़ा था। और उस टाइम उतना कोई वैल्यू भी नहीं था गाइस इलाइट पास 1-2 का, बिकॉज समहाउ सीज़न 8 या 9 ही चल रहा था उस वक्त। तो मैंने सोचा कि यार क्या करना है ये सब पकड़ा रख के, और अभी तो बहुत वैल्यू है गाइस इलाइट पास 2 का, वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आप लोग जानते हो इलाइट पास 2 का वैल्यू, स्ट्रीट क्या बोलते हैं इसको, आर्टिक ब्लू का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है जो कि मेरे पास है ऑलरेडी, बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइस लूट बॉक्स में बात करते हैं, तो लूट बॉक्स में आप देख सकते हो कलेक्शन सॉलिड है भाई का, इससे आग निकलता है गाइस, ये मैं इक्विप कर लेता हूँ ये स्पेशली, मतलब मस्त वाला एकदम गाइस लूट बॉक्स। तो आप लोग देख सकते हो नॉर्मली तो नीचे वाले सब मिले हुए हैं इसको, बाकी ये स्केटबोर्ड गाइस सबसे यूनिक स्केटबोर्ड है आज तक का गाइस फ्री फायर का, बाकी ये नोट वाला तो अभी आया था, जो नोट वाला भी भाई ने निकाल ही लिया है। फिर गाइस ये सब स्केटबोर्ड है जो कि नॉर्मल है, आप लोग देख सकते हो मैं सारे कलेक्शन दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोग देख सकते हो गाइस धीरे धीरे करके मैं आप लोग को सब दिखा देता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे पैरासूट में आते हैं, पैरासूट में आप लोग देखो, पैरासूट भी देख लिया। उसके बाद गाइस अवतार में आते हैं, तो अवतार तो ओल्ड अवतार आप लोग जानते ही हो, सबसे ओल्ड अवतार मेरे को ये था, तो मैंने ये अभी तक लगाया हुआ है, मतलब कल ही लगाया मैंने, तो ये सबसे ओल्ड अवतार है जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जो प्लेयर है वो इलाइट पास 1 से खेल रहा है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे ये बंदा भी इलाइट पास 1 से खेल रहा है, लेकिन इलाइट पास नहीं लिया था, सो जो बिना इलाइट पास के जो बैच मिलता है वो है गाइस ये, जो मतलब बैनर मिलता है वो है ये। और गाइस बैनर की बात करें तो ये देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा अच्छा बैनर है भाई के पास, ऑलरेडी ओल्ड भी है, लेकिन ओल्ड है तो अभी फिलहाल मैंने नहीं लगाया, लेकिन जब खेलने लगूंगा तो लगाऊंगा। अभी गाइस मैं एक दिन से इसी आईडी से खेल रहा हूँ अब, और अब जो मैं खेलूंगा इसी आईडी से खेलूंगा। सो गाइस अब बात करते हैं गन्स के कलेक्शन की, तो भाई के पास गन्स के कलेक्शन क्या है वो भी देखते हैं गाइस। सो गाइस बात करें यहाँ M4A1, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ कुछ खास कलेक्शन नहीं है, बट डबल डैमेज वाला एक M4A1 भाई ने रखा है, जो कि सभी के पास मेरे को लगता है ये होगा, एक वक्त को फ्री में मिला था ये। तो चलो गाइस अभी देखते हैं आगे। यहाँ पे ड्रैगन एके की बात करें तो इसके पास परमानेंट है, जो कि है मोस्ट ऑफ द मतलब लेजेंडरी गन में से एक आता है यहाँ पे ड्रैगन एके, और बहुत ही ज़्यादा तगड़ा चलता है गाइस, आप लोगों को पता ही होगा। फिर देख सकते हो गाइस यहाँ पे नॉर्मल एके, बम्बली एके भी है इसके पास। उसके बाद M14 की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे डबल रेट ऑफ फायर वाला यही तो चाहिए होता है गाइस। इस कार की बात करते हैं तो भाई के पास क्यूपिड तो नहीं है, पर क्यूपिड से भी ज़्यादा भयानक वाला जो इस कार एक बार आया था गाइस हाल फिलहाल में, वो भाई ने निकाल रखा है। उसके बाद इस कार की बात करें तो यहाँ पे मूनलाइट वाला भी जो है भाई ने निकाल रखा है गाइस परमानेंट, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये सब नॉर्मल है, और ये रेट ऑफ फायर सिंगल वाला जो कि हमें फ्री में मिला था वो है गाइस। उसके बाद ग्रोजा की बात करते हैं तो डबल रेट ऑफ फायर वाला यही मुझे चाहिए भी होता है। उसके बाद SKS की बात करते हैं तो डबल डैमेज वाला ऑलरेडी मेरे पास SKS है, डबल रिलोडिंग स्पीड वाला की तो ज़रूरत ही नहीं है, अपने को डबल डैमेज काफ़ी है। इस गन की बात करते हैं तो नॉर्मल सा स्किन है, कोई भी स्किल नहीं है इस गन में। उसके बाद फेमास का बात करते हैं तो फेमास का लेजेंडरी स्किन तो जो है वो भाई के पास है, आप लोग देख ही सकते हो, और भी बहुत सारे स्किन फेमास के भाई के पास पड़े हैं। तो ये सब में कुछ खास वैसा है नहीं, ये देखो डबल डैमेज ये है ये भी है, और उसके बाद डबल डैमेज ये भी है, सिंगल रेंज भी है, तो ये ज़्यादा अच्छा है इसलिए मैंने इसको इक्विप कर रखा है। ड्रैगनॉफ का तो गाइस स्किन बहुत कम आया है, सो भाई के पास नहीं है। एक्सेमेट की बात करते हैं तो जो मेन स्किन होता है एक्सेमेट का वो भाई के पास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गाइस। उसके बाद M60 है, तो देख सकते हो M60 जो हमारा डबल एक्यूरेसी है, मेरे को तो डबल रेट ऑफ फायर पसंद है, तो मैं इसको इक्विप कर लेता हूँ गाइस, भाई के पास दोनों है। AN94 की बात करते हैं तो भाई के पास मेन लेजेंडरी जो AN94 का गन है पर्पल वाला, और ये एक और लेजेंडरी गन है AN94 का, जिसका हमें 3 बॉक्स कभी फ्री मिला था, लेकिन जिसका परमानेंट निकला उसका परमानेंट निकला, जिसका नहीं निकला उसका नहीं निकला गाइस। तो मेरे 2 आईडी में ये परमानेंट हो चुका है, और भाई के आईडी में भी परमानेंट हो चुका है। तो अभी गाइस ये देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। प्लाज्मा का तो एक ही स्किन आया था गाइस जो कि नहीं है भाई के पास, AUG का भी नहीं है, और उसके बाद यहाँ पे जो वुड पे कराया ये सब का तो स्किन ही नहीं आया अभी। तो गाइस देख सकते हो गन्स की भी कलेक्शन बहुत ही अच्छी है। उसके बाद गाइस मेन एक और चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, एक टी शर्ट है गाइस जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोगों को वो पहन के दिखाता हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस है गाइस वो टी शर्ट, आपको पता चलेगा। तो कलेक्शन के डाउन में होगा। ओके एक टी शर्ट ये देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा लगता है, सॉलिड लगता है ये वाला टी शर्ट देखने में।
आप लोग देख सकते हो एक टी शर्ट ये है भाई के साथ जो कि बहुत ही ज्यादा सॉलिड लग रहा है। उसके बाद गाइस जो मैं टी शर्ट की बात कर रहा था वो मैं थोड़ा सेट की बात मैं कर रहा था वो है गाइस ये वाला टी शर्ट, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है ब्लैक वाला टी शर्ट और बहुत बहुत रेयर लोगों के पास आपको ये देखने को मिलेगा। बहुत ही रेयर टी शर्ट है गाइस जो कि बहुत पुराना है इसलिए बहुत रेयर लोगों के पास। तो गाइस बस यही है इसका कलेक्शन, और भी बहुत कुछ है जो कि अभी बाकी है और गाइस यहाँ पे मैं देखा नहीं हूँ अच्छे से अभी तक, लेकिन फिर भी गाइस जितना भी है मेरे को बहुत पसंद आया आईडी, इसलिए मैंने सोचा कि भाई से ही एक्सचेंज कर लेते हैं अभी फिलहाल, ओल्ड आईडी है थोड़ा अच्छा रहेगा गाइस। तो यहाँ पे मैं वापस से आर्टिक ब्लू पहन लेता हूँ। तो बस गाइस और गाइस आपको कलेक्शन कैसा लगा बताना कमेंट में, हमको पता है कि आप लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन होंगे, लेकिन गाइस इसमें थोड़ा ओल्ड कलेक्शन है जो कि हमारे पहले के प्लेयर्स हैं तो उन्हें पता होगा, उन लोगों के पास होगा, लेकिन गाइस जो नए प्लेयर्स ज्वाइन किए हैं उन लोगों के पास ये सब कलेक्शन नहीं होगा। तो गाइस जैसा भी आपको वीडियो लगा होगा कमेंट डाउन करना। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।